गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जीरो साइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो जीरो निकले तो क्या निकले थे, -2 और -5, ठीक है। एज तो ये सपोज हमारा जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरो को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा हमारा हो गया -2 और बीटा हो गया -5, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था, ठीक है, अब हमको क्या करना है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जीरोस निकल गया, अब हम क्या करेंगे, ये जीरोस जो है और ये जो इसके कोफिशिएंट्स है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। तो देखो सम ऑफ जीरोस है यहां पर, तो जीरो जो है हमारा क्या -2 और -5 है, ठीक है। तो ये सम का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो ये -2 रख दिया मैंने और ये -5, और ये सम बोला मतलब इसका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हर जगह फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो देखो बराबर क्या है, -b/a, तो यहां पर माइनस ये b, मतलब यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंपेयर करें, ठीक है, तो इससे ax2 + bx + cc, ठीक है। तो इससे जो है हमको a की वैल्यू मिली थी 1, b की वैल्यू मिली थी 7 और c की वैल्यू क्या मिली थी 10, ठीक है। तो यहां पर जो है ये a, b और c की वैल्यू हम रखते हैं, तो -b/a जो है क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, तो इधर पर ये क्या जाएगा -b, b की वैल्यू कितनी है 7, b हो गया -7 / a की वैल्यू कितनी है, तो x2 के साथ कुछ नहीं था इसका मतलब 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया -7 / 1, इधर पर ये सम ऑफ जीरोस क्या है, तो हमारे -2 और -5 था, तो इनका हम सम निकालेंगे। तो देखो ये जो ब्रैकेट है इसको मैं ऊपर कर दूंगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -5, ये -2 एज इट इज, तो माइनस माइनस क्या हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, तो 2 और 5 जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 = 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बड़ा है, 5 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये 7 के सामने भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो देखो -7 = -7 आ रहा है, मतलब ये हमारा रिलेशन जो है वो जो हमने निकाले थे कल सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a, ये सही बैठ गया। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, c/a, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा ऐड कर देना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, c/a, ठीक है। यहाँ अल्फा की वैल्यू हम माइंड करेंगे ये -2 और बीटा की वैल्यू देखेंगे -5, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो जीरोस है इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो गया -2 × -5 इक्वल्स टू c/a था, तो c की वैल्यू हमारी क्या निकली 10 और a की वैल्यू क्या 1, तो यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो -(-) क्या होता है, प्लस होता है, और 2 × 5 = 10, ठीक है। तो इधर पे प्लस 10 आ रहा है और इधर पे भी 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, तो ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हाँ देखो आप एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो इसमें भी हमको वही करना है, मतलब इसके जीरोज निकालने हैं और उसके बाद फिर जो जीरोज और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन करना है उसका। तो x²-3 = 0 हो गया, जिसको हमने 0 के इक्वल ले लेंगे, 0 साइन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि √3 का स्क्वायर पर आप ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 3, ठीक है। एज तो ये √3 का स्क्वायर ले लूंगा मैं इसको। अब यहाँ पर ये देखो ये क्या मिल रहा है हमारा, a²-b² इससे मिल रहा है, तो a²-b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a-3 × a + b, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ x है और b की वैल्यू क्या है √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा a-b मतलब x-√3 और a+b मतलब x+√3 बराबर 0। अब इसके 0 साइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और इसको भी एक बार 0 के इक्वल ले लेंगे, तो x-√3 को 0 के इक्वल लेंगे हम यहाँ, तो ये -√3 को अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो ये क्या हो जाएगा, +√3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक x की वैल्यू जो है वो √3 हो गई, यहाँ पर x+√3 = 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अल्फा की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी √3, मतलब एक 0 हमारा ये हो गया और दूसरा 0 ये हो गया, मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई ये √3 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -√3। अब जो है ये हमारे जीरोस निकल गए, अब हम क्या करेंगे, इनके जो सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस और इनके जो इसके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में हम क्या करेंगे, एक रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो x²-3 = 0 ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सेट करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax²+bx+c = 0, तो इस फॉर्मेट में मैं इसको अरेंज करूंगा। तो देखो यहाँ x² की तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन जो x वाली वैल्यू दिख रही है यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो जो x लाने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 × x लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 0 × x करके, ठीक है, और ये -3 एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से अब क्या हो रहा है, जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके हिसाब से ये अरेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो है हम इस जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे कंपेयर करके क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ x² के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है।